हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, इस वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 3G का क्वेश्चन में 1 से लेकर के 5 तक के जो क्वेश्चन है ना, उनको आपको सॉल्व करना सिखाएंगे। और हमेशा की तरह जो मैं प्रीवियस वीडियोज़ बना चुका हूँ और जो मैं नेक्स्ट वीडियोज़ बनाऊंगा, चाहे इस एक्सरसाइज का या फिर 3H का, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हो। यानी कि मान लो आपको जैसे 6 से लेकर के 10 तक की वीडियो चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाए ना आप जो एक्सरसाइज 3G का मैं लिखा हूँ वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ रहेगा ऑल वीडियोज़ ऑफ एक्सरसाइज 3G, उसमें क्लिक करना उस लिंक में, तो 3G जितने भी वीडियोस में बनाए रहूंगा ना, उसमें आप पहुंच जाओगे। उसी तरीके से हर चैप्टर का मैं नीचे लिंक आपको एकदम अच्छे से व्यवस्थित करके दे चुका हूं, वहां पर आप जाकर के अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। यानी कि आपको बार बार ढूंढ करके परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। नीचे आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में, वहां आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो आज आप स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करना सीखते हैं कि किस तरीके से इन टाइप से जो क्वेश्चन है ना, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए। बहुत ही सिंपल है। अगर आपने एक्सरसाइज 3E 3F पढ़ कर आ रहे हैं, वो थोड़ा सा इससे क्वाइट टफ है ना। अगर आप कह लो, अगर इसके कंपैरिजन में देखो तो वो थोड़े से इससे टफ है। ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, ये सॉल्व करते हैं इन्हें। देखो, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। अब आगे हमारे पास कितना, अंडर रूट 16 डिवाइड बाई 81। तो अब जैसे इस तरीके से अब कभी भी लिखा हुआ रहे ना, तो आप उसको क्या करो, दो पार्ट में डिवाइड कर दो। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इक्वल करके अंडर रूट 16 डिवाइड में अंडर रूट 81, यानी कि दोनों का अंडर रूट जो है अलग अलग कर लो। अब हमको सिंपल देखो, अगर आपको 20 तक के स्क्वायर्स याद है, तो आप तो इसको डायरेक्ट भी बना सकते हो। 16 किसका स्क्वायर होता है, 16 होता है 4 का स्क्वायर। और मान लो अगर आपको 20 तक के स्क्वायर्स याद नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे, या तो लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ कर लेना, या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कर लेना इसको अंडर रूट से सॉल्व करने वाला, जो मैंने आपको पहले ही सिखा दिया है एक्सरसाइज हमने 3E में 3D में, है ना। यहाँ पर हमने बहुत सारे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सीखा है। एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करने का, और एक होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो जैसे इसको मेरे जो तो पता है कि ये जो 16 है वो किसका स्क्वायर है, 4 का है, और मुझे लगता है कि अधिकतर बच्चों को ये पता होगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 4 × 4 लिखेंगे। और नीचे में 81 किसका स्क्वायर होता है, तो वो 9 का होता है, तो इसे हम 9 × 9 लिख देंगे। अब हमारा जब पेयर बन जाता है, तो हम क्या करते हैं, उसे अंडर रूट से बाहर निकाल सकते हैं। तो ये चूंकि 4 का पेयर बन गया, तो एक 4 बाहर निकल जाएगा, नीचे 9 का पेयर बन गया तो एक 9 बाहर निकल जाएगा। तो 4 × 9 जो होगा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब मान लो किसी बच्चों को इसको स्क्वायर याद नहीं है कि 4 × 4 = 16 होता है, ये पता नहीं है, तो आप क्या करोगे, साइड में जाना जल्दी से और इसका मल्टीप्लाई करना 16 का। तो इस तरीके से देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका फैक्टर फाइंड करना, तो 2 × 8 = 16 हो जाएगा। उसके बाद फिर 2 × 4 = 8 हो जाएगा, ठीक है, फिर 2 × 2 = 4 हो जाएगा, और 2 × 1 = 2 हो जाएगा। इतना तो कर ही लोगे आराम से। अब क्या करना, यहाँ पर हमने डायरेक्ट लिखा था, आप इस वाले स्टेप के बाद क्या लिखोगे, ठीक है, ये तो एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड ये है, इस तरीके से आप फाइंड करना, और अंडर रूट जो 16 है उसको क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर 2 हमारा 4 टाइम आया है ना, तो 2 × 2 × 2 ऐसे लिख लेंगे 16 को। और सेम टू सेम 81 को भी वैसे करेंगे, हम 81 का फाइंड कर लेंगे। देखो ऐसे 8 और 9 हमारा कितना हो रहा है, 9 और 1 9 हो रहा है, यानी कि 3 से डिवाइड हो जाएगा ये। 3 × 2 = 6, 2 इधर गया तो 3 × 7 = 21, फिर 3 × 3 = 27, और फिर ये हो जाएगा 3 × 3 = 9, और 3 × 1 = 3, यानी कि 3 का भी हमारा 4 पेयर बन गया। तो यहाँ पर हम 3 × 3 × 3 × 3 ऐसे लिख लेंगे। अब देखो, यहाँ पर 2 का एक पेयर बना और ये पेयर बना, तो ये वाले पेयर से एक 2 बाहर निकला, इस वाले पेयर से एक 2 बाहर निकला अंडर रूट से। उसी तरीके से यहाँ पर 3 × 3 का 2 पेयर बना है ना, तो 2 × 3 आपके यहाँ बाहर निकल जाएंगे, तो भी आपको उतना ही आंसर आएगा, 2 × 2 = 4 और 3 × 3 = 9। तो इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट क्यों करना, जब हमको 2 क्या बोल रहा मैंने आपको कि 2 से 20 तक के स्क्वायर याद ही हैं, तो फिर आप टाइम वेस्ट मत कीजिए, जल्दी से आप इनको सॉल्व कर लीजिए इस मेथड से। ओके, तो मैंने दोनों मेथड आपको बता दिया। और एक फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है, तो वो तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर बच्चों का दिमाग खा जाता है, इसलिए लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको अगर यूज़ करना है, अगर बहुत सारे बच्चों को ऐसा होता है कि अच्छा भी लगता है, ईजी भी लगता है, ठीक है, तो अगर वो ईजी लगता है, तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी इसका स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। अब ये हो गया बहुत ज़्यादा लेक्चर, अब हम जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्या दिया हुआ हमें यहाँ पर, दिया हुआ है 64, जो कि 8 का स्क्वायर होता है, 8 × 64, और 225 किसका होता है पता है, 15 का होता है। तो हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे इसी तरीके से, 8 × 8 यानी कि 64, और 225 है यानी कि 15 × 15, तो हो जाएगा हमारा 225। तो यहाँ से हमारा पेयर बन गया 8 का, और यहाँ से निकल गया 15, ये हो गया इसका आंसर। देखा कितना सिंपल था। अभी आप इस तरीके से इसको भी अगर सॉल्व करते हैं, तो लंबा चौड़ा भी आपका सॉल्व होता, 2 का पहले डिवाइड होता, फिर 3 का होता, 225 को ऐसे लंबा सा आ जाता आपका। तो उतना टाइम वेस्ट मत करो, एकदम आप जल्दी से जल्दी 2 का स्क्वायर, 2 × 2 = 4, है ना, 9 तक तो आपको याद ही है, 3 का स्क्वायर, 3 × 3 = 9, है ना, 9 × 9 = 81 तक तो सब बच्ची को याद होता है, ठीक है, 9 × 81, उसके बाद का याद कर लो। 10 का तो याद ही रहेगा, 10 × 10 = 100, 11 से स्टार्ट करो, 11 × 11 = 121 होता है, 12 × 12 = 144 होता है। उसी तरीके से आप पूरा 20 तक याद कर लोगे ना, 19 तक ही करना पड़ेगा एक्चुअल में आपको, यानी कि 11 का 12 का 13 का 14 15 16 17 18 और 19, यानी टोटल आपको केवल 9 नंबर की स्क्वायर याद करने हैं। जैसे आप बचपन में टेबल याद किए हो, उसी तरीके से स्क्वायर याद कर लो एक बार, आपका बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा, काम आसान हो जाएगा आपका, ठीक है, एग्जाम में आप बहुत ज़्यादा जल्दी, मतलब कि टाइम आपके बचेंगे। अगला क्वेश्चन जिससे हम सॉल्व करते हैं, 3 नंबर का,
तो ये कितना दिया हुआ है हमें यहाँ पर 121, जो कि 11 का स्क्वायर होता है जैसे कि मैंने आपको बताया, और नीचे लिखा हुआ है 256। ये किसका होता है पता है? ये 16 का स्क्वायर होता है, 16 जा 256 होता है। तो चूंकि हमको स्क्वायर याद है तो हम इसको डायरेक्ट बना लेंगे, 11 11 जा 121 और ये 256 है, यानी कि 16 जा 256। तो यहाँ से पेयर बन गया हमारा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 11/16। देखा, अगर आपको स्क्वायर याद है तो आप एक सेकंड भी नहीं लगाओगे और इसको आसानी से सॉल्व कर लोगे। अब आते हैं बड़े नंबर में, जैसे 4 नंबर। अब यहाँ पर आपका 20 अगर आप स्क्वायर याद भी कर लेते हो तो भी आपका काम नहीं चलेगा। तो इसीलिए मैंने आपको शुरू में रूल भी बता दिया कि अगर आपका काम नहीं चल रहा तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। तो यहाँ पर हमारे पास कितना है, 625 है और डिवाइड में 729 है। और ये भी देखो, यहाँ पर मैं एक ही बार लिख ले रहा था, अगर आप चाहो तो इसको अलग अलग भी लिख सकते हो, यानी कि ये हमारा जो 64 है उस वजह से मैंने यहाँ स्टार्टिंग में आपको बताया था ना इस तरीके से लिखने के लिए, वैसे भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, यानी इसका एक अलग से स्क्वायर बना दो और ये नीचे वाले जो है ना उसका एक अलग से स्क्वायर बना दो, स्क्वायर बोलो सॉरी अंडर रूट बना दो। उस तरीके से यहाँ जैसे मैं भी यहाँ पर करने वाला हूँ, देखो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 625 और ये फिर नीचे में अंडर रूट 729। इसी तरीके से आप इन नंबर्स को भी कर सकते थे, यानी कि अंडर रूट अलग अलग ऊपर नीचे और कर ही लेना, बेटर रहता है क्योंकि हमें ये बुक में दिया हुआ है। ठीक है, अब तो देखो 625 आ गया, ये हमारा 20 तक स्क्वायर में नहीं आता है क्योंकि 20 जो हमारा 400 होता है। ठीक, तो अब ये बड़ा नंबर हो गया, तब हम क्या करेंगे कि जल्दी से प्राइम फैक्टराइजेशन वाला अपना रूल स्टार्ट करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। तो ये देखो 625 है, 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 1 जा 5, ये चल गया इधर 1, तो 5 2 जा हो जाएगा 10, 2 इधर चल गया तो 5 5 जा 25, फिर ये 5 से हो रहा है 5 2 जा 10, उसके बाद फिर यहाँ पर से 2 इधर चल गया, ये 12 में से 10 कट हुआ तो 2 बज गया, वो आगे जाकर इसे 25 बना देगा तो 5 5 जा 25, फिर से ये 5 से हो रहा है तो 5 5 जा 25, फिर हो रहा है एक बार तो 5 1 जा 5, यानी ये कितना हो जाएगा हमारा 5 × 5 × 5 और × 5 4 टाइम, और ये हमारा भी अंडर रूट में, ये चीज़ ध्यान रखना। नीचे में ये जो हमारा 729 है इसको भी चेक कर लो इसी तरीके से, तो ये हो जाएगा हमारा 729, ये किसे डिवाइड हो रहा है तो हमारा 729 और 918 3 से हो रहा है ना, तो हम इससे 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 2 जा 6, 1 इधर चल गया तो 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9, फिर ये 3 से हो रहा है 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3, फिर से 3 हो रहा है तो 3 के टेबल में 3 2 जा हो जाता है हमारा 6, जैसे हमारा शुरू में आया था उसी तरीके से 3 2 जा 6 हो गया, 8 में से 6 कट हुआ बच गया 2, वो आगे जाकर किसे 21 बना देगा तो 3 7 जा 21, फिर 3 9 जा हो जाएगा हमारा 27, 3 3 जा 9 और फिर एक बार और 3 1 जा 3। ठीक है, तो हमारे ये कितने टाइम आ गया, 3 1 2 3 4 5 6 टाइम आ गया, तो यहाँ पर आप 6 टाइम 3 लिख लोगे, 3 × 3 × 3 6 टाइम। ठीक है, 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। अब पेयर जितना बना उस पेयर को बाहर निकाल लो, ये 5 का पेयर बन गया 2, तो यहाँ से हमारा बाहर निकल जाएगा 2 5, ये 1 5 और ये 1 5, और उसके अलावा नीचे 3 का देखो 3 पेयर बन रहे हैं तो 3 × 3 × 3 निकल जाएगा। समझ में आया, तो 5 5 जो कितना होता है 25 होता है, नीचे 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। इसका मतलब कि जो 625 था ना वो 25 का स्क्वायर था, 25 × 25 करोगे तो 625 आ जाएगा और 27 × 27 करोगे तो 729 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? अच्छा, जो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 5, उसे सॉल्व करते हैं। देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, एक मिक्स फ्रैक्शन दिया गया है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कैसे चेंज करते हैं, और अगर इम्प्रॉपर है तो उसको मिक्स में कैसे चेंज करते हैं। अगर नहीं पता तो आइए मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन है ना, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर कैसे मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर जो भी है उसको ऐड कर देंगे, यानी 36 कैसे मल्टीप्लाई होगा और ऊपर वाला नंबर ऐड हो जाएगा। तो साइड में आप मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 36 × 3, तो 3 3 जा 18 का 8 कैरी हो गया 1, 3 3 जा 9 और 1 10, और ऊपर वाले को ऐड करना है यानी कि 13 ऐड कर देना है, तो ये हो जाएगा 11 का 1 कैरी हो गया 1 2 और 1, यानी कितना जाएगा 121 आ जाएगा। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ऐड करेंगे तो 121, यानी कि इसको हम ऐसे लिखेंगे फिर 121 और डिवाइड में जो 36 है ना डिनोमिनेटर वो चेंज नहीं होता, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अभी हमारा कितना बन गया 121 डिवाइड में 36 बन गया, कितना सिंपल हो गया। 121 किसका स्क्वायर होता है 11 का और 36 किसका होता है 6 का, 6 × 6 = 36, तो ये हमारा डायरेक्ट इसको आप आंसर लिख लो, यानी ये हो जाएगा 11 × 11 और अंदर में, या फिर चाहो तो एक बार अलग अलग कर ही लो क्योंकि बुक में दिया हुआ है ना, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट मुझे आदत बनाने का तो मैं डायरेक्ट बना दे रहा हूँ, लेकिन आप इसको अलग अलग करना ऐसे। ठीक है, ये हमारा 121 जो होगा ऊपर हो जाएगा, 36 जो है नीचे आ जाएगा, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी हमारा ये हो जाएगा 11 × 11 और नीचे में हमारे पास अंडर रूट में 6 × 6 हो जाएगा जो कि होता है 36। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से पेयर बन गया 11 का तो 11 बाहर निकल गया, नीचे वाले अंडर रूट में से 6 का पेयर बन गया तो 6 बाहर निकल गया, तो ये हमारा 11/6 हो गया, ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन।
ठीक है। लेकिन हमको शुरू में क्या में दिया था, मिक्स में दिया था ना, तो हम इसको भी मिक्स में कन्वर्ट कर लेंगे। मिक्स में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, इम्प्रॉपर में तो समझ गया आपने ना कि मिक्स से इम्प्रॉपर में कैसे चेंज किया जाता है, यहाँ से इसका मल्टीप्लाई और ऊपर वाले नंबर को ऐड। उसी तरीके से अगर आपको मिक्स में चेंज करना है तो सिंपल आप इसको डिवाइड दो 11 को 6 से, तो 6 1 6 हो जाएगा, बच जाएगा 5। अब इसको एक ट्रिक है छोटा सा, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमा दो। ये ट्रिक मैंने अपने बच्चों के लिए बनाया है, हमारे स्कूली बच्चों के लिए, ताकि उनको कन्फ्यूजन कभी ना हो कि किस नंबर को कहाँ पर लिखना है, क्योंकि डिवाइड तो सभी बच्चे दे देते हैं है ना, लेकिन कन्फ्यूज हो जाते हैं कि किस नंबर को हम किधर लिखें। तो कुछ आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो। यहाँ पर पहले तो फ्रैक्शन का साइन लगाओ, 5 देखो नीचे से ऊपर जा रहा है ना, तो ऊपर में 5 लिखेंगे। 1 जो है हमारा राइट से लेफ्ट में आ रहा है, तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे। 6 ऊपर से नीचे आ रहा है, तो नीचे में 6 लिखेंगे। ये हो जाएगा इसका इम्प्रॉपर से मिक्स फॉर्म में। तो 1 और 5/6 होगा इसका फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा 1 से 5 तक के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं आपको इसी तरीके से इजी मेथड में क्वेश्चन नंबर 6 से आगे तक के क्वेश्चन को समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।